कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आँखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेध किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत कर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से सम्पन्न आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आँखों में आंसू भर कर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनिमंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज यह सब जिनकी महती कृपा का फल था उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी।
उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सार्थक बना डाला। आहार, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त, विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण, जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सारशून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल चार पांच ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का सहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंश शियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया,
जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे, जैसे वे नटके समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं। वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलियुग आधम का महाराज युधिष्ठिर से कलियुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोग असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वही छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलियुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्तिभाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवन्मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभासक क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है।